खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नाम आकाश राय, उम्र 25 साल, पेशा डॉक्टर। नीली टी शर्ट में मौजूद इस शख्स की यही पहचान है। 2 साल से मध्य प्रदेश के खरगोन में बंगाली डॉक्टर बनकर ये लोगों का इलाज भी कर रहा था, लेकिन अब पता चला कि ये डॉक्टर बांग्लादेश से आया घुसपैठिया है। पिछले 10 सालों से भारत में रह रहा आकाश राय कैसे मध्य प्रदेश में पहुंचा, ये भी जान लीजिए। आकाश राय बांग्लादेश के सिंगा सोलापुर का रहने वाला है। साल 2009 में हावड़ा पहुंचा, कोलकाता में फर्जी मार्कशीट बनवाई। साल 2017 तक वो यूपी के प्रताप नगर में रहा। साल 2017 के बाद आकाश राय खरगोन पहुंचा। खरगोन में फर्जी वोटर आईडी और आधार कार्ड बनवाया। आरोपी फर्जी पहचान पत्र बनवाने के बाद खरगोन में लोगों के इलाज का काम भी करने लगा। कुछ लोगों को शक होने के बाद छापामारी की गई, जिसमें इसने पुलिस को भारत में अपनी एंट्री की पूरी कहानी बताई। इसका नाम आकाश रॉय, पिता अंचित रॉय है और यह सिंगा सोलपुर नराइल जिला का रहने वाला है, जो बांग्लादेश का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से जो मार्कशीट जब्त की है वो कलकत्ता की है, जो कि उसने उसके द्वारा बताया गया कि फर्जी तरीके से बनवाई गई है। इसके अलावा उसके पास का खरगोन जिले का आधार कार्ड और अन्य वोटर आईडी कार्ड हैं, जिनकी दस्तावेजों की जांच यहां कलेक्ट्रेट से करवाई जा रही है और पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो किस आधार पर बने हैं और किन लोगों के द्वारा बनवाए गए हैं। आकाश राय अब पुलिस गिरफ्त में है। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि आकाश ने किन लोगों की मदद से भारतीय पहचान पत्र बनवाया।